रिव्यू योर लेटर, क्योंकि रिव्यू का मतलब है कि अब फर्स्ट नेम की जगह हमारी लिस्ट में जो पहला नाम होगा वो यहाँ दिखाई देगा और जो क्लास होगी वो यहाँ दिखाई देगी। पहले रिकॉर्ड की सारी डिटेल, चारों वैल्यूज यहाँ पर शो होगी। जस्ट क्लिक ऑन द रिव्यू योर लेटर। जब हम रिव्यू करेंगे तो आप देखिए इसने पहले लेटर की डिटेल दिखा दी, सैफ 12th अलीगंज बांदा। नेक्स्ट लेटर आप देखना चाहते हैं आप यहाँ भी प्रेस कर सकते हैं तो आपको नेक्स्ट लेटर दिखाएगा। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। क्यों ज़रूरत होती है मेल में, व्हाट इज द नीड ऑफ मेल। मॉर्निंग एवरीवन, आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे मेल मर्ज एमएस वर्ड में कैसे किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ जाएं। लेट्स स्टार्ट। क्यों जरूरत होती है मेल मर्ज, व्हाट इज द नीड ऑफ मेल। व्हेनेवर वी आर सेंडिंग सेम टेक्स्ट, सेम मटेरियल, सेम डेटा, मल्टीपल रिसिपियंट्स, मल्टीपल पर्सन, ओके, दैट टाइम मेल मर्ज इज यूज। मीन्स यू डू नॉट वॉन्ट टू राइट द सेम लेटर अगेन एंड अगेन। जब भी मैं नया लेटर लिखूँ तो हर लेटर में ऑटोमेटिकली नए पर्सन का नाम आ जाए। जैसे मेरे चार दोस्त हैं और मैं उनको चारों को सेम इन्विटेशन कार्ड भेजना चाहता हूँ। इन्विटेशन कार्ड का मैटर तो सेम होगा लेकिन उसमें हम जब एड्रेस फिल करेंगे या नेम अपने फ्रेंड का फिल करेंगे तो सबके अलग अलग होंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जो उसका मैटर हो वो तो सेम रहे लेकिन हमारे हर फ्रेंड का नाम चार लेटर में अलग अलग आ जाए। तो पहले लेटर में पहले फ्रेंड का नाम, दूसरे लेटर में दूसरे फ्रेंड का नाम, तीसरे में तीसरे का और चौथे में चौथे फ्रेंड का नाम अपने आप आ जाए। अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम मेल मर्ज यूज़ करेंगे। मेल मर्ज यूज़ करने के लिए हमको मेलिंग टैब में जाना होगा, जो मैं आपको पूरी तरीके से सब चीज़ें समझाऊंगा। तो मेल मर्ज है क्या, थ्योरेटिकली क्या है। मेल मर्ज इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग कॉमन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस, हैविंग डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस। होप दैट इट इज क्लियर। ठीक है, अभी हम इसे प्रैक्टिकली समझ लेंगे तो हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टेप, अब मेल मर्ज में होते हैं बेसिकली टू कंपोनेंट्स, मतलब दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका ग्रीटिंग कार्ड होगा, एक आपका इनविटेशन कार्ड होगा, या जो भी मैटर आप भेजना चाहते हैं, ईमेल है, लेटर है, जो भी आप भेजना चाहते हैं, मैसेज है जो आपका, जिसमें आपका मैसेज छुपा हुआ है या आएगा। दूसरा है वो रिसिपिएंट लिस्ट, जिसमें आपके फ्रेंड्स के नाम है या आपके रिलेटिव्स के नेम्स स्टोर हैं। वो एक्चुअल में एक MS Access डेटाबेस होता है जिसमें हम अपने फ्रेंड्स के नेम्स स्टोर करते हैं। हम उसे क्रिएट भी कर सकते हैं या अगर हमने पहले से बना के कोई लिस्ट रखी है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। दैट आई एम गोइंग टू शो यू। तीसरा, अब इसके कितने स्टेप्स होते हैं, हम कौन से तरीके से मेल मर्ज सीखेंगे। हम सीखेंगे विजर्ड के थ्रू, मेल मर्ज विजर्ड के थ्रू मेल मर्जिंग करना। ठीक है, इसके 6 स्टेप्स होते हैं जो आपके सामने हैं। सेलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट टाइप, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट चूज़ करते हैं कि हमें लेटर भेजना है, ईमेल भेजना है या इस तरह से क्या भेजना है। दूसरा, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद रिसिपिएंट लिस्ट, फिर हम मर्ज फील्ड लाएंगे, डॉक्यूमेंट में मर्ज करेंगे उस फील्ड्स को और फिर हम प्रिव्यू करके, अगर हमारा प्रिव्यू सही होगा तो फिर हम प्रिंटिंग करेंगे। तो अब हम उसके लिए उसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। अच्छा, इस काम के लिए, समय को बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक ग्रीटिंग कार्ड टाइप का एक लेटर बना लिया है, दैट योर टाइम विल बी सेव्ड। आई थिंक दिस इज बिफोर यू, ये है वो लेटर जो मैंने आपके सामने बनाया है। ये ग्रीटिंग कार्ड है जिसे मैं लोगों को भेजना चाहता हूँ कि आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई बर्थडे इज ऑन 5th of January, आई एम इन्वाइटिंग यू फॉर माई बर्थडे पार्टी एंड सो एंड सो, दैट्स इट। अब व्हाट आई वॉन्ट, I want my friend's name should come on this particular place here. Okay, name of my first friend, his address and city. These three things which I want to merge. अब मैं चाहता हूँ जब मैं अपने पहले दोस्त को भेजूँ तो उसके पहले दोस्त का नाम यहाँ है, ऑटोमेटिकली लेटर यही रहे, मैटर यही रहे, लेकिन नेम चेंज हो जाए, दूसरे फ्रेंड का नाम आ जाए, फिर तीसरे का आ जाए, फिर चौथे। तो फॉर दैट पर्पज वी यूज टू गो विद मेल मर्ज। हम उसको पूरे तरीके से देखेंगे, बहुत आसान है लेकिन उसको समझना होगा कि हमें कहाँ जाना है। दिस इज MS ऑफिस 2007, क्वाइट हेल्पफुल एंड विच इज़ इंस्टॉल्ड इन अवर कंप्यूटर लैब, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मेलिंग टैब पर। मेलिंग टैब पर जाएंगे
और मेलिंग टैब पे जाके हम सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज फीचर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सबसे लास्ट स्टेप पे, स्टेप बाई स्टेप मेल मर्ज विजर्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, हम लेटर को चूज़ करेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट स्टेप पे, क्या कह रहा है, सिलेक्टिंग द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, आप किस डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो। ऑप्शन दे रहा है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, डेफिनेटली हम करंट डॉक्यूमेंट पे ही लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सिलेक्ट द रिसिपियंट्स पे जाएंगे। रिसिपियंट्स यानी वो लोग जिनको आपका ये लेटर जाएगा या जिनको रिसीव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है यूज़ द एग्जिस्टिंग लिस्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट, गो ऑन। हमारे पास ये लिस्ट पहले से बनी है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं और उसे ब्राउज कर सकते हैं, लेकिन बस यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे लेटर बनाना तो सभी जानते हैं, लेकिन लिस्ट बनाना एक नई चीज़ है। तो टाइप अ न्यू लिस्ट पे जा करके यू कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट। कैसे क्रिएट होगी ये आपके सामने आ रहा है, न्यू एड्रेस लिस्ट, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम सिर्फ रखेंगे 3 चीज़ें, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी, 3 चीज़ें केवल। अब हमने यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम पे चले गए, मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, मैं उस पर भी आपको बताऊँगा। तो मैं बाकी सारी जितने भी चीज़ें हैं उन्हें हटा दूँगा, उन सारे फील्ड्स को रिमूव कर दूँगा यहाँ से, बाकी सिर्फ मैं रखूँ फर्स्ट नेम को, एड्रेस लिस्ट लाइन 1, केवल 3 फील्ड्स रखूँगा। ये बड़ा तेज मैं इस तरीके से मैंने इसमें से फील्ड हटा दी, प्रैक्टिकली सबको आना चाहिए। अगर आप फोन रखना चाहते हैं अब रख सकते हैं, मैं सिर्फ 3 चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिस्ट बनाएंगे। वो ज़रूरी नहीं कि मैंने सिर्फ 3 चीज़ें रखी, आप एक रखना चाहते हैं एक रखें, आप 5 फील्ड्स रखना चाहते हैं 5 फील्ड, वट एवर। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग द फर्स्ट नेम सैफ, एड्रेस अलीगंज, दूसरा पूछ रहा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, न्यू एंट्री दबाएंगे तो भी हो जाएगा, इन अगर आप टैप प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन, और यहाँ पर कोई कहता है कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक नया कॉलम क्रिएट कर सकें, जैसे हम क्लास में क्लास ऐड करना चाहते हैं, या बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमाइज कॉलम पे वापस जाएंगे और हम यहाँ पर अगर कोई नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स से कि मुझे क्लास क्रिएट करना है, तो मैंने ओके कर दिया। अब क्या होगा, फर्स्ट नेम के फौरन बाद क्लास आ रही होगी, ओके कर दिया मैंने उसको। अब यहाँ पर मेरे 4 कॉलम हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया सैफ सर इज़ स्टडिंग इन क्लास 12th एंड ओशन इज स्टडिंग इन 9th A3 एंड एड्रेस डू नॉट नो सो मे बी आवास विकास दिस एंड 88RR। देयर इज अ वन मोर स्टूडेंट, लेट्स से के विथ 9th A1 He is living in civil lines and AR. One more student is there. A test. I will show you why I am writing test and some class like 11th, A2, let's say ABC, versus ABC, something like this. Okay, I will show you. Now it is asking me, ये जो मैंने अभी लिस्ट क्रिएट करी है ये मुझे सेव करनी है, ये एक MS Access का डेटाबेस है जिसे मुझे सेव करना होगा। लेट्स से कि मैंने इसको क्रिएट कर दिया 9th एड्रेस लिस्ट, इस तरह से मैंने इसे सेव कर दिया और ये सेव हो गया मेरा डॉक्यूमेंट। और ये मुझे दिखा कितने नेम्स आ रहे हैं, वो सब टिक करके आ रहे हैं, जो मैं टिक रखूँगा वो मेरे मर्ज डॉक्यूमेंट में नज़र आएंगे, लेकिन अगर मैंने उसको किसी को अनचेक कर दिया तो वो मेरे मर्ज डॉक्यूमेंट में शो नहीं होगा। अब कोई ये कहता है, कह रहे सर मुझसे एक स्टूडेंट की एक एंट्री क्रिएट करनी थी, हम उसे भूल गए, एक स्टूडेंट क्रिएट करना था उसे हम भूल गए, हम उसे कैसे क्रिएट करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पर
हम उसे क्रिएट करना चाहते थे, तो हम इस एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक एडिट ऑप्शन आ रहा है, हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमको वापस उसी लिस्ट में ले जाएगा जहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू एंट्री पर प्रेस करेंगे तो भी क्रिएट हो जाएगा, हम टैब प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। न्यू एंट्री करते हैं और यहाँ पर हम एक एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, स्ट्रोक 11th वन एंड एड्रेस इज आवास विकास। तो लाइक दिस आई हैव क्रिएटेड टू मैनी एंट्रीज फॉर यू, ओके कर देता हूँ मैं इस तरह से। वो कह रहा है डू यू वॉन्ट टू अपडेट, येस। हमारे पास यहाँ आप देखेंगे एक रिकॉर्ड बढ़ गया है बुक का, अब हम इसे टिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इस तरह से हमारी एड्रेस लिस्ट रेडी हो गई। हम वापस आएंगे यहाँ पर, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिख रहा है स्टेप ए यूजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंटली। अभी हम कौन सी लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं 9th एड्रेस लिस्ट, जैसे अभी हमने जस्ट आपके लिए बनाया है। हम किसी दूसरी लिस्ट पर भी काम कर सकते हैं जो पुरानी होगी, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट अगर हमें करना हो, हम यहाँ टैप करेंगे, वो हमसे पूछेगा, यानी कि MS Access का डेटाबेस है, वो हमसे पूछेगा ये पुरानी लिस्ट है जो मैंने क्रिएट करके रखी थी, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स, सैफ, निकेतन, अमित, ओशन और टेस्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं या हम नया रिकॉर्ड, फिलहाल हम इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो हमने इसे बंद कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्ट को चूज़ कर लिया था सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट करके, इसलिए लिस्ट का नेम बदल गया। लेकिन हम पुरानी लिस्ट जिस पर भी हमने क्रिएट की थी, जिसमें और सारे अमित भी था और ओशन भी थी और भी अशोक भी था, अगर हम उस लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए वो ये वाली लिस्ट जो आज हमने 11 तारीख को क्रिएट की है और 10:47 पे। तो ये यहाँ पर हमारे सबके नेम्स यहाँ पे पड़े हुए, हम इसे ओके कर देंगे तो ये अब हमारी लिस्ट फाइनल लिस्ट है जिससे हमारे पास डेटा आएगा। अब हम जाएंगे राइट योर लेटर, तो हमारा लेटर तो रेडी है, हमें उस पर कुछ इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राइट अ लेटर किया, वो सारा कह रहा है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वो पॉइंट है कि जब हमको अपने इस डॉक्यूमेंट में, ये जो हमारा ग्रीटिंग है या इन्विटेशन कार्ड है, इस डॉक्यूमेंट में हमें अपनी फील्ड्स को इंसर्ट करना है, ये जो एड्रेस फील्ड्स हैं, जो रिसिपियंट्स फील्ड्स हैं, इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा, ग्रीटिंग लाइन आ जाएगी, आप एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे आप एड्रेस ब्लॉक जहाँ कर्सर होगा फील्ड वहीं पर इंसर्ट होगी, इसलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। अब मैंने एड्रेस ब्लॉक किया, अब वो इस तरह से दे रहा है कि आपका एड्रेस ब्लॉक इस तरह से आएगा, सैफ, अलीगंज, बांदा, आप जिस तरीके से भी उठाना चाहें वैसे उठा सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन कैसे आएगी, ग्रीटिंग लाइन ऐसे आएगी, ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट ऐसे आएगा, डियर सैफ, केवल फर्स्ट नेम उठाएगा, बाकी नहीं उठाएगा, नहीं चाहिए मुझे। मोर आइटम्स में जाऊँगा, मेरे पास मेरी एड्रेस लिस्ट में ये चार फील्ड, अब मुझे चारों इंसर्ट करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंसर्ट करना। बस आप सेलेक्ट कीजिए जिस फील्ड को आपको इंसर्ट करना और प्रेस कीजिए इंसर्ट, तो देखिए पहली फील्ड हो गई। अब इसी तरीके से क्लास इंसर्ट करनी है, क्लास डाल दी, नेक्स्ट लाइन पर जाऊँगा मैं, या मैं एक साथ चारों इंसर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसमें फॉर्मेटिंग कर दूँगा और मैंने चारों को इंसर्ट कर लिया, क्लोज कर दिया। देखेंगे तो चारों चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जाएंगे और इंटर करेंगे, क्लास हो गया, एड्रेस हो गया और लास्ट लाइन में सिटी आ जाए। इस तरीके से हमने ये चारों चीज़ें इंसर्ट कर ली और हमने इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, आप अपने हिसाब से कर लेंगे, मैंने इसे अंडरलाइन करके रखा है। अब ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप, रिव्यू योर लेटर, क्योंकि रिव्यू का मतलब है कि अब फर्स्ट नेम की जगह हमारी लिस्ट में जो पहला नाम होगा वो यहाँ दिखाई देगा और जो क्लास होगी वो यहाँ दिखाई देगी। पहले रिकॉर्ड की सारी डिटेल, चारों वैल्यूज यहाँ पर शो होंगी। जस्ट क्लिक ऑन द प्रीव्यू योर लेटर, जब हम प्रीव्यू करेंगे तो आप देखिए इसने पहले लेटर की डिटेल दिखा दी, सैफ, 12th, अलीगंज, बांदा। नेक्स्ट रिकॉर्ड लेटर आप देखना चाहते हैं आप यहाँ भी प्रेस कर सकते हैं तो आपको नेक्स्ट लेटर दिखाएगा, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ कई जगह है जहाँ से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा इस तरीके से आप प्रीव्यू देख रहे हो, ये प्रीव्यू हो गया अमित का, ये आ गया टेस्ट का, ये आ गया अशोक का। अब मुझसे कोई कहता है अरे सर मुझे ना
टेस्ट वाले रिकॉर्ड को नहीं लेना, आई डो नॉट वॉन्ट टू टेक द, वो तो हमें सिर्फ टेस्टिंग के लिए लेना था, तो हम ये रिकॉर्ड नहीं चाहते, ये तो डेटा भी सही नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक्सक्लूड दिस रिसिपिएंट, अगर हम इसको एक्सक्लूड में करेंगे तो अब वो हमारा रिकॉर्ड हट जाएगा। होप तो होप सो, और भी बहुत तरीके हैं इसको करने के, लेकिन ये एक आसान तरीका है। एडिट रिसिपिएंट लिस्ट से भी किया जा सकता था, देखिए यहाँ से भी हम अनचेक कर देंगे तो जैसे अब अशोक आ रहा है, अगर हम अशोक को अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे, अशोक भी हट जाएगा। अब आपके पास केवल तीन रिसिपिएंट बचेंगे, टेस्ट वाला भी हट गया और अशोक वाला। पहला रिकॉर्ड फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड सैफ का, सेकंड रिकॉर्ड ओशन, थर्ड रिकॉर्ड अमित, चौथा कोई रिकॉर्ड नहीं क्योंकि दोनों रिकॉर्ड जो एक्स्ट्रा थे उनको मैंने अनचेक कर दिया। अब ये मेरा प्रीव्यू हो गया, मैं देख लूँगा कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, और फाइनल करने के लिए लूँगा और प्रिंट बटन पर प्रेस करूँगा। क्योंकि मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, मैंने एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जो ऑलमोस्ट PDF बना देता है, तो उसके लिए मैं यूज़ 2 PDF वर्जन 6.7 ये मिल जाता है कंपनी से, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस पे जाऊँगा और देख लूँगा कि मेरा पेपर की अलाइनमेंट क्या है, ये हो रहा है सब चीज़ें है, और इस डॉक्यूमेंट जनरेट कर देगा कहूँ मैं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। जूम जो है वो कम कर देता हूँ ताकि मैं आसानी हो सबको, तरीके से मैंने आपको दिखाई दे रहे होंगे, होप दैट कि इट विजिबल टू एवरीबॉडी। ये यहाँ पर रिकॉर्ड के बाद यहाँ रिकॉर्ड है ये अमित का, केवल तीन रिकॉर्ड जनरेट हुए होंगे, अगर हम चाहते तो हम 5 रिकॉर्ड भी जनरेट कर सकते थे। ये हमारी एक्सरसाइज मेल मर्ज के लिए है, काइंडली डू इट एट योर होम इफ यू हैव सिस्टम और लैपटॉप और डेस्कटॉप। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।